इस वीडियो में मैं अपना एक दिन बिताऊंगी JW मैरियट के इस खूबसूरत रिजॉर्ट में, और इसमें बेहद खास रहेगा मेरा मोहन महल का एक्सपीरियंस, क्योंकि इस मोहन महल को 3.5 लाख मिरर्स और करीबन 100 कैंडल्स के यूनिक डेकोर का रूप दिया गया है, जो कि डाइनिंग एक्सपीरियंस का सबसे रोमांचक हिस्सा बन जाता है। सो स्टे ट्यून्ड टू एक्सपीरियंस वन डे एट दिस पैलेस विद मी। My team and I have truly delighted to have you as our guest here, is wishing you a pleasant stay. Kind regards, Amit Sachdeva, General Manager, Marriott. मैं आपको पहले अपना रूम दिखाती हूँ. This is a luxurious room. That's my full spring bed. And come now, very excited to show you this. This is the beautiful alleyway to the bath space. यहाँ पे मेरा wardrobe है. This is my sink. और JW Marriott एक शानदार प्रॉपर्टी है, आपको बाहर की दुनिया से दूर अपने एक महल में रहने का एक्सपीरियंस देगा। There is royalty in the names of restaurants and there is royalty in the experience of it. It's a lovely property और इस प्रॉपर्टी में सिर्फ रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। One of them is सुख महल और मैं जा रही हूँ मोहन महल। बेसिकली मैं इंडियन फूड में स्पेशलाइजेशन जो इंडियन फूड है
लेकिन राजस्थानी मेरा बेसिकली जो अभी मैं कर रहा हूँ काम राजस्थानी क्यूजीन पे कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से इस होटल में किया मैंने। जब होटल ओपनिंग हो रहा था उससे पहले हमने राजस्थान के जितने भी विलेजेज हैं वहाँ पे ऐसा खाना हमने मतलब ट्राई करा जो नॉर्मल होटल्स में नहीं चलता है। अच्छा। लाइक जो रेगुलर मेन्यू होते हैं दाल बाटी चूरमा लाल मांस अच्छा। गट्टा करी वो हमारे मेन्यू में नहीं है। हमने वो चीज़ बट उससे भी अच्छी प्रिपरेशन है हमारे पास। सराबी मांस है हमारे पास वो उससे ज़्यादा अच्छा है जो अभी भी मतलब लोगों में चलता है लेकिन होटल्स में नहीं है रेगुलर मेन्यूज़ में नहीं होता। इनोवेशन हाँ जी ऑथेंटिक फूड है लेकिन ये पहुँच नहीं पाया हमारे गेस्ट तक। तो हमने वो डिशें इलेक्ट करी और उनको थोड़ा मॉडिफाई किया अभी क्यूजीन के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी कोर्स वाइज हमने वहाँ उनको डिजाइन किया सारा। और अब 5 कोर्स में इसमें जी आप रेडिश देख रहे हैं ये इन हाउस माइक्रोग्रीन से जो यहाँ पे उगाते हैं जो फ्रेश वाइट रेडिश की सीड है उनको इन हाउस उगाते हैं उसे गार्निशिंग के लिए यूज कर रहे हैं ताकि अपीलिंग भी आए खाने में लोकल टेस्ट के साथ साथ। उसके बाद में हम एपेटाइजर्स करते हैं जो प्री प्लेटेड आते हैं तो 3 एपेटाइजर वेज नॉन वेज से हमें सेलेक्ट जस्ट गेस से हम पहले चॉइस पूछते हैं कि आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। मेरे सामने है आमूश बूश जो कि है छोटी सी पापड़ की टोकरी एंड शेफ़ ने मुझे बताया इसमें क्या क्या फिलिंग होता है विच इज़ ऑल्सो वेरी इन हाउस ग्रोन सब कुछ यहीं पे उगाया जाता है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फर्स्ट एंड आई टेल यू हाउ इज़ इट। आई डोंट थिंक कि मैं इसको छुरी और कांटे के साथ मैनेज कर सकती हूँ बिकॉज इट्स बेसिकली अ टोकरी एंड इट्स सपोज टू बी स्टफ्ड इन योर माउथ ऑल टुगेदर एट वंस। जो हमारा सिग्नेचर डिशेज है लाइक नॉन वेज में मेरा पांसला बन जा रहा है यहाँ का सिग्नेचर डिश तो नॉन वेज में वो सर्व करूँगा। उसके अलावा वो होता है जैसे लैम चोप होता है स्पेशल लैम हम प्रोक्योर करते हैं जैसलमेर से। उसका जो टेस्ट होता है उसको सिर्फ चिली पेस्ट के साथ कुक करना होता है वो अपने आप में इतना अच्छा टेस्ट होता है कि हम यहाँ का सिग्नेचर है और एक बार जो करता है वो रिपीट जरूर करता है उसको। का फ्लेवर बहुत अलग है एवरीथिंग हैज़ इट्स टेस्ट ऑफ इट्स ओन बहुत अच्छा है। नॉनवेज में भी बहुत इनोवेशन है बहुत ही अलग तरीके से इसकी कोटिंग है इट्स वेरी नाइस। मेन कोर्स का भी हम प्री प्लेटेड सर्व करते हैं। मेन कोर्स आता है छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बोल्स में जितने भी सिग्नेचर डिशेज राजस्थान में जो चीज़ें जिस पार्ट से फेमस है वो चीज़ें हमने मेन्यू में पिक की है। तो जैसे दाना मेथी किसमिस है आयुर्वेदा क्यूजीन है तो आयुर्वेद से लिया जिसके मेडिकल प्रॉस्पिटीज भी हैं। उसके अलावा हमारा जो सराबी मांस नॉन वेज में हो गया मुर्गी मुकुल हो गया उसकी प्रिपरेशंस हैं। जो राजस्थानी क्यूजीन ऐसा है कि उसमें कुकिंग स्टाइल भी अलग अलग है जैसे खड़े स्टाइल हो गया ओपन फायर में हो गया कुछ वॉरियर्स के ज़माने से चलती आ रही है रेसिपी वो भी हमने अब इसमें ऐड की है। थोड़ा सा स्वीट है इसका फ्लेवर दाल के साथ बहुत अच्छा लग रहा है ये इट्स ब्यूटीफुल। अगर मैं ये शराबी मीट टेस्ट करूं जो कि मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा इट्स डिलीशियस बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है जैसे ट्रेडिशनल राजस्थानी लाल मांस होता है एकदम वैसा ही है लेकिन बहुत स्लो कुक्ड है बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है मीट का सो इट्स रियली फ्रेश। दिस इज़ अ प्याज की सब्ज़ी थोड़ा कंफर्ट फूड भी है। हाँ जी हाँ मतलब सजेशन होता है क्योंकि मैं लोकल हूँ तो मैं सिर्फ ये चीज़ें हैं यहाँ से इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेरे अंदर 6 शेफ ऐसा ड्रिंक मैंने कभी नहीं पिया है दिस इज़ वेरी डिफरेंट इट डजंट टेस्ट एट ऑल लाइक अल्कोहल। और उसके साथ इन्होंने मुझे दिया है पाटी और चूरमा सो बेसिकली मेरी दाल इज़ स्कॉच
और मेरा बाटी और चूरमा इज चखना हियर. तो ये बहुत इनोवेटिव स्टाइल से बहुत थॉट प्रोसेस है इनके यू नो डिशेस में ड्रिंक्स में. तो आई एम लविंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट, इट्स ब्यूटीफुल. We are opening this space. We want the cocktails also, the drinks also resemble the Rajasthan. That was the idea. When the dal bati churma is completely inspired by the dal, which is very popular dish of this Rajasthan. What we does with that? It's again we take a blended scotch. Okay. Now with the we make an in-house lentil syrup, which is very different way of making a lentil syrup. And that's the USP of that particular cocktail. And then we blend it with some little cream red chili as a tadka with that. Okay. That's the mixture of these two. Wow. And we serve with that particular cocktail, we serve little bit churma and a bati as well. So I think agar aap aana chahte hain to aap iske experience ke liye aaiye. Aap sirf ek cheez ke liye mat aaiye, pure hotel ke experience ke liye aaiye. Sirf Mohan Mahal ke liye mat aaiye, but har cheez jo bhi yahan pe hai, sab cheezon ke liye aaiye. It's really beautiful, bahut royal experience hai aur I think I really like it here. It's very beautiful. Even though it's the architecture, like you know, sometimes can get very cliched. The hotel designers, they decided to go with the Nahargarh theme. So if you see, the hotel is built like a palace. It's built in two parts. One we call the palace block, wherein we have like you know conventional rooms. The other is more villa style architecture, where the hotel is all spread out. So Amit, tell me about your property. Everything that you want to tell me. What is the newest thing over here? What is the most significant thing about your property? So this actually is not a very old hotel. It only came into existence 2 years ago, and we just about completed 2 years a few weeks ago. What we wanted to build was an urban luxury resort. Marriott has a lot of business hotels, but we also do some great resorts, and we wanted to bring that resort feel to India. Being on the outskirts, it gives us the opportunity to cater to many segments. The room size is such that we can cater to MICE, we can cater to weddings, we can cater to FID guests. So all in all, we wanted an all-encompassing product, and I think we've done a pretty good job of it. The way I envision this resort is that people should come here and forget about the outside world for 2 days, be it weddings, be it MICE or the FID guests. I think the resort has so much to offer to all our guests, the public areas, the gardens, the walkways, the pool. The rooms now are being outfitted with jacuzzis, and the pools will be temperature controlled. So there's so much to offer in the hotel itself. We got a beautiful spa by JW. So there's so much to do in the hotel itself that you really don't need to step outside. I would also want to know a lot about the Mohan Mahal. I mean, the idea behind it, because I heard that there's no natural light coming inside, and it's lit with some 100 candles, if I'm not wrong, and there are like 3.5 like mirrors, and all these small details about Mohan Mahal makes it very interesting to, you know, have such a dining experience. So I would really want to know from your end, what is it that went behind such an ambitious thing? So I think just the name brings a smile to my face. I mean, it was such an ambitious project. 3.5 lakh, like you know, 350,000 pieces of mirrors done together, took over 3 years to complete. And if you actually see, they're very intricately done. The inspiration is the Sheesh Mahal at the Amer. But I think what we have created, I think the king in his time would have been very proud of it. मेरा मैरियट का एक्सपीरियंस यूनिक था. खाने से लेकर स्टे का अनुभव, एवरीथिंग वाज परफेक्ट.